टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे बात हो गई। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। चैप्टर जो है वो सेल के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम कुछ सवाल सेल वगैरह के बारे में पूछे थे, ठीक है, और मैंने आपको, हाँ सेल तो मैंने आपको बताना भी शुरू कर दिया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताई थी आपको, पैसिव ट्रांसपोर्ट। नीचे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नीचे हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर सेल के बारे में आपसे बात हो रही थी, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में बात हो रही थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात हो रही थी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दरमियान डिफरेंस के बारे में बात हो रही थी। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताई कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो कहाँ वर्क करती है। ग्रीन तारीख आपसे बेटा पूछ रहा हूँ। काम तो बताइए कि कोई एक एग्जांपल बताइए। सॉरी सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है बहुत। एक एग्जांपल किस चीज की? फैसिलिटी डिफ्यूजन की एग्जांपल बताइए। आपने इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मैं गलत भी हो सकती, लेकिन वो एग्जांपल जो थी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सेल्स में, सेल में उसका एंट्रेंस और एग्जिट जो होता है। तो बेटा इसके लिहाज से फिर आप मुझे बताएं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सेंट्रल डिफ्यूजन क्या है। सॉरी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और सिंपल डिफ्यूजन में क्या फर्क? सर मुझे नहीं पता। बेटा सिंपल डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फर्क ये है कि सिंपल डिफ्यूजन विदाउट द हेल्प ऑफ कैरियर चैनल प्रोटीन होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ कैरियर चैनल प्रोटीन होते हैं, ये डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ कैरियर और चैनल प्रोटीन। अब अगर आपके पास हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एग्जांपल कौन सी आएगी? ऑक्सीजन और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, तो वो भी प्रोटीन आएगी। I'm sorry sir, मगर आपकी आवाज बहुत कट रही है, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल सही आ रही है। दीपक मैडम जाना बताएंगे। फातिमा रमजान अनम्यूट करिए जी, बताइए। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की कौन सी अहम एग्जांपल मैंने आपको बताई है? क्यों? लास्ट टाइम मैंने किसी स्टूडेंट से भी करवाया था, वो एग्जांपल मैंने करवाई थी, एनटीएस को मैंने कहा रखी भी होती है एग्जांपल, बार बार पूछ रहे हैं, हर साल पूछ रहे हैं, तो रखे हुए क्वेश्चन में फॉरिन वाली का बताएंगे की। जी बोल रही हूँ, आगे बोलूँ?
सोडियम और पोटेशियम के न्यूरॉन्स में जो इन एंड आउट मूवमेंट होती है उसमें फैसिलिटी डिफ्यूजन पे थ्रू होती है। हरी मल्लिक आप जरा बताएं। बाकी भी घबराएं नहीं बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सबसे पहले देखो मैंने इनसे पूछा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मुझे एग्जांपल बताएं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जांपल्स है उसको बताने के लिए सबसे पहले बेटा मुझे बताओ कि नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में पहला स्टेप क्या होता है दूसरा स्टेप क्या होता है। सर आपकी आवाज सर। अच्छा आज हो सकता है कि शायद कोई इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अनस्टेबल हो मे बी। ठीक है मे बी ऐसा हो सकता है। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। बताएं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की चलो एग्जांपल्स बताएं मुझे। सर जो ग्लोसोडियम आयंस और पोटेशियम की जो मूवमेंट होती है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आती है सर। ठीक है नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन जो होती है उसमें आपके पास सोडियम आयंस डिपोलराइजेशन में अंदर जाते हैं और पोटेशियम आयंस रिपोलराइजेशन में बाहर आते हैं। ठीक है इनकी अंदर और बाहर मूवमेंट जो है होती है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स के जरिए। ठीक है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एंड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स के जरिए जो है वो आपके पास इनकी इन और आउट मूवमेंट होती है। तो ये जो इन और आउट मूवमेंट है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल से तो ये दरअसल आपके पास होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए। ठीक है दिस टेक्स प्लेस बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चलें लेक्चर को आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बता दी है मैंने आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट बता दी है। ठीक है अब उसके बाद आपको बता रहा हूं एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट टू इट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहला फंक्शन आपको बता दिया है दूसरा फंक्शन आपको बता दिया है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बता दीजिए आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट बता दिए। इसके बाद आइए एक्सोसाइटोसिस। ठीक है एक्सोसाइटोसिस के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। ये सेल है ये इसके अंदर मौजूद है गॉल्जी बॉडीज। गॉल्जी बॉडी से पैकेट्स निकले बनके। ठीक है गॉल्जी बॉडी से पैकेट्स निकले जब गॉल्जी बॉडी से पैकेट्स निकले ये पैकेट सरफेस पे आते हैं। ठीक है ये पैकेट्स मेम्ब्रेन के कोने में आते हैं यहां तक आते हैं और फिर इनके कंटेंट जो है ये बाहर निकलते हैं। ठीक है इनके कंटेंट जो है ये बाहर निकलते हैं इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। This is termed as what? This is termed as
एक्सो, दिस इज टर्म्ड एज एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, हम इसको एक्सोसाइटोसिस का जो है वो नाम देते हैं। अपने सारे कंटेंट जो है क्या करता है, ये बाहर निकल, एक्सोसाइटोसिस कब तक होती है, एक्सोसाइटोसिस जो है वो आप देखते हैं जब कोई रोता है, आंसू जब गिरते हैं टीयरिंग के दौरान तब होती है। डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उनकी सीक्रेशंस के दौरान, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उसकी सीक्रेशन के दौरान जो है वो आपके पास क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम की सीक्रेशन के दौरान एक्सोसाइटोसिस होती है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम की सीक्रेशन के दौरान जो है एक्सोसाइटोसिस होती है। इसके अलावा आपके मुंह में जब पानी आता है, सलाइवेशन होती है, सलाइवेशन के दौरान जो है क्या होता है, सलाइवेशन के दौरान जो है वो आपके पास एक्सोसाइटोसिस है, ठीक है। एक दिन में हमारे मुंह में तकरीबन 1 से 1.5 लीटर सलाइवा बनता है, वो जो 1 से 1.5 लीटर सलाइवेशन के दौरान आपके पास एक्सोसाइटोसिस है, ठीक है। चलिए, एक्सोसाइटोसिस में गॉल्जी बॉडी से पैकेट्स निकलेंगे, ये सरफेस पर आएंगे, से कंटेंट बाहर आ जाएंगे, ठीक है, इसके कंटेंट जो है वो बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपके पास एक्सोसाइटोसिस मुमकिन हो पाती है, ठीक है, इस तरीके से एक्सोसाइटोसिस जो है वो मुमकिन हो पाती है। इसके बाद आइए चौथा पॉइंट, चौथा फंक्शन, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस कैसे होती है, एंडोसाइटोसिस जो है उसमें आपके पास ये एक सेल मौजूद है, ठीक है, आपके पास मॉलिक्यूल आए, ये गड़े के अंदर आप, गड़े के अंदर आ गए, और गड़े के अंदर आ गए, गड़ा और गहरा हो गया, ये गड़ा और गहरा हो, और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आपके पास ये प्रॉपर वॉल बन जाएगा। इसको नाम दे रहे हैं क्या, इसको नाम दे रहे हैं हम एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या है, एक्सपल्जन ऑफ सेल कंटेंट्स इन बल्क फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, ठीक है, एक्सपल्जन ऑफ सेल कंटेंट्स इन बल्क फ्रॉम सेल टू आउटसाइड। ये जो बल्क का लफ्ज है ये बहुत अहम है, ठीक है, ये जो बल्क का लफ्ज है ये बहुत अहम है,
ठीक है, इसको क्या नाम दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं एक्सोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस क्या है, अपटेक सेल कंटेंट्स इन बल्क फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, अपटेक ऑफ सेल कंटेंट्स इन बल्क फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं हम एंडोसाइटोसिस। जब खाना हमारे सिस्टम में डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट होने के बाद उस खाने की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो एब्जॉर्प्शन जो है उसमें एक मेथड एंडोसाइटोसिस के जरिए की होती है। उससे क्या होता है, बड़ी तादाद में आहार के कंटेंट जो है वो सेल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, एक बल्क में बाहर के जो कंटेंट्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। तो इसको क्या नाम दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं हम एंडोसाइटोसिस। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज एंडोसाइटोसिस। चलिए, दीज आर द फंक्शंस ऑफ व्हाट, दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेंब्रेन। सेल मेंब्रेन की बात फौरन आ रहा है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के बारे में 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ, कॉपी करना तो कॉपी कर सकते। आप कॉपी करें जब तक हम कुछ सवालात ले सकते हैं। अली मोहम्मद नासिर, जब हम पैसिव डिफ्यूजन कर रहे थे, वालेकुम सलाम, जब हम पैसिव डिफ्यूजन कर रहे थे तो आपने इसका बताया था कैरियर और चैनल प्रोटीन्स का जो गेट्स होते हैं जिनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें कोई ऐसा नाम याद रखने गेट्स के, बेटा आप थोड़ा सा दोबारा बताइए। अच्छा, मैं कह रहा था जिस तरह पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने चैनल लोकेटेड प्रोटीन्स पढ़े जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें किसी गेट्स के नाम याद रखने। आपकी बात देखिए बेटा, वही जो कैरियर और चैनल प्रोटीन वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन में मदद देते हैं, वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद देते हैं। तो मतलब गेट्स याद रखना मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरह मेरा सवाल बेसिकली ये कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो किसके थ्रू होती है, कौन सी ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो कैरियर प्रोटीन के जरिए भी होती है, चैनल प्रोटीन के जरिए भी होती है। आपको अगर ज़रा याद है उसके अंदर जब आप प्रोटीन फोटोसिंथेसिस के अंदर बात करते हैं, ये गार्ड सेल्स मौजूद है, गार्ड सेल्स में पोटेशियम की एंट्री होती है, पोटेशियम सेल्स की जो पोटेशियम आइंस की जो सेल के अंदर एंट्री होती है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है। तो अब उसमें आपके पास जो कैरियर चैनल प्रोटीन है ये हेल्प करते हैं, और उससे क्या होता है कि पोटेशियम अंदर आ जाता है। मैं ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा था कि इनके कोई और नाम होंगे, तो कैरियर चैनल प्रोटीन से ही होते हैं बेसिकली। हाँ बेटा, ये कैरियर चैनल प्रोटीन के जरिए ही होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ही ये दोनों हेल्प करेंगे। फैसिलिटेट का मतलब ही यही है कि वो कैरियर चैनल प्रोटीन हेल्प करेंगे, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी यही होता है। होता यह है कि जो चैनल प्रोटीन होता है उसके अंदर तो ये होता है कि पहले उसका एक एक तरफ का मुंह खुल जाता है, वो अंदर आ जाता है, फिर ये वाला मुंह बंद हो जाता है, वो अंदर चला जाता है। और जो कैरियर प्रोटीन है उसमें क्या होता है कि जो भी आयन वगैरह है वो प्रोटीन के एक सिरे पे अटैच हो जाता है, एनर्जी यूज होती है, जब एनर्जी यूज होती है तो वो अंदर टर्न हो जाता है। ठीक है, एनर्जी यूज होती है तो वो अंदर घूम जाता है प्रोटीन, जब अंदर घूम जाता है तो उससे क्या होता है आपके पास वो बाहर वाली चीज अंदर चली जाती है। ठीक है, इस तरीके से। जी सर, आप कुछ कह रहे थे।
सर एग्जोसाइटोसिस की बात हो गई, एंडोसाइटोसिस के बारे में आपसे बात हो गई है, इसके बाद आइए फर्दर। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो है उनके बारे में आपसे बात करनी है। सबसे पहले आइए पहला ऑर्गेनेल जो आपको बता दूं, वो आपको बता दूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपके पास है, फंक्शन उसके क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं तो वो मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। पहला काम है उसका से आपने कॉपी कर लिया होगा, आप बता दें। जी सर मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे थे। एंडोप्लाज्म में रेटिकुलम का बेटा फंक्शन बता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेटा फंक्शन बता दो। जी 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 जैसे से कल के था सर ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं हमारी और फैट सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन तक क्रिश हो गया जी सॉरी। अगर ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देते हैं तो फिर हम राइबोसोम को क्यों कहते हैं कि वो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। ये कौन सी प्रोटीन हम कह सकते हैं कि बेसिकली प्रोटीन मॉडिफाई करने में मदद करते हैं हमारी। प्रोटीन मॉडिफाई करने में चले मान लेते हैं। होता ये है देखिए, आपने सेकंड ईयर के अंदर आपने वैसे अपने आपने लेवल अगर किया हुआ आपने प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ा होगा कि राइबोसोम एक एक धागा बनाते हैं। जब बहुत सारे धागों को आपस में जोड़ना होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको आपस में जोड़ेगा तो प्रॉपर प्रोटीन बनेगा, वरना वो इंडिविजुअल धागे बेकार होते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर चार धागे हैं, अब उन चार धागों को एक जगह पे एग्रीगेट करना जो है, ठीक है, उन चार धागों को एक जगह पे एग्रीगेट करना जो है ये किसकी जिम्मेदारी है, ये दरअसल आपके पास इसकी जिम्मेदारी एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम की जिम्मेदारी। ठीक है, रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम की जिम्मेदारी। अच्छा मुझे बताओ स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम क्या करता है, बंद कर लियो इतनी जल्दी, इतनी जल्दी भागने की नहीं हो रही, सेल का चैप्टर चल रहा है। नहीं नहीं सर वो आवाज़ारी भी पीछे से किया था जी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट सिंथेसिस में मदद करता है। करता क्या है ये नहीं पता सर। आप सबसे गहरा हूँ बेटा, आपको पता है आसान की जो ग्रेड आती है उसमें जिसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं उसमें तक ये सेल के क्वेश्चन दिए होते हैं कि स्टूडेंट्स का सेल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको पता है आहान वाले जो पहले एक बुकलेट देते थे कि सैंपल के तौर पे, तो उसमें फंक्शन देते थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और वो फंक्शन पता है क्या है, मैं अभी जरा बात कर रहा हूँ इनसे, अभी तक हमने उस फंक्शन की बात ही नहीं की, अभी निकलवाता हूँ जरा आहिस्ता आहिस्ता। अली मोहम्मद नासिर बताओ जरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं। सर ये जो मेरी नॉलेज में था बता दिया, मैं बाकी में से इतना जानता हूँ कि फैट सिंथेसिस करता है, इसकी मुझे डिटेल्स नहीं पता। ठीक है बिल्कुल सही है, फैट्स की सिंथेसिस करता है। एग्जांपल दो फैट्स की सिंथेसिस की। घबराओ नहीं, देखो बेटा आपको एक बार बताऊँ जी सर, तमाम तारीफें तमाम इज्जतें अल्लाह के लिए, कोई किसी चीज़ का मुकम्मल तौर पर आलिम नहीं होता। ठीक है, तो बेटा आप परेशान होकर ना बताएं, आपका बोलना सब लोग जो सुन रहे हैं बहुत अच्छा मतलब बोल रहे होते हैं, बैकग्राउंड में वॉइस भी नहीं होती, इसलिए मैं आपको अनम्यूट करके आमतौर पर आपसे कहलवा रहा होता हूँ, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी लें। ठीक है, इससे उधर बैकग्राउंड में बातें नहीं, सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं आपको। ठीक है, इसमें देखिए ना किसी की कोई इंसल्ट है कि भाई नहीं आ रहा ये वो फला मसला, ना हम आपकी नॉलेज को चैलेंज कर रहे हैं, आपको सिखाने के लिए बैठे हुए, आप बहुत अच्छा बोल रहे होते बेटा, इसलिए आपको माइक अनम्यूट कर रहा होता हूँ। जी बेटा बताइए जरा।
फैट्स की एग्जांपल आप दी सर, एडिपोज टिश्यू बनता है हमारे अस में बॉडी में, क्या ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से होता है? हाँ बेटा, एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं हमारे पास फैट्स होते हैं, वो सारे के सारे फैट्स जो हैं, जितने भी एडिपोज टिश्यूज में फैट्स होते हैं, वो इसी की मदद से बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। और सर हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें, नहीं, सही सर, मैं अच्छा, कुछ और सोच रहा आप बेटा एक फंक्शन लिखा हुआ है, ये वाइटामिन डी जो है, हमारी सूरज की रोशनी अब स्किन पे पड़ती है, तो वाइटामिन डी हमारी स्किन रोल प्ले करती है। तो वाइटामिन डी जो है वो दरअसल आपके पास वाइटामिन डी की सिंथेसिस होती है, उसमें आपके पास ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, वाइटामिन डी की सिंथेसिस में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, वाइटामिन डी क्या होता है? वाइटामिन डी एक अदद लिपिड है, उसका 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कॉली कैल्सी फिरॉल। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी कॉली कैल्सी फिरॉल जो है ये आपके पास क्या है? ये आपके पास जो है ये वाइटामिन डी कहलाता है। ठीक है, इसकी सिंथेसिस में आपके पास स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम जो है वो रोल। चलें तो पहले एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम आपको फिनिश कराने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे बात। सेल के चैप्टर में अपने आप को मास्टर कर लेना। मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सारे फंक्शन बता दूंगा, फिर भी एक फंक्शन जो है वो मैं छोड़ दूंगा, जो आपने पूछा जाता है आपको सुन के है वो आप मुझे बताऊंगा। एक पहला काम जो आपको बता दिया है, वो आपको बता दिया है प्रोटीन सिंथेसिस, और मैंने आपको इसका पहले ही जवाब दे दिया है कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं, लेकिन वो प्रोटीन के इंडिविजुअल धागे बनाते हैं, उन धागों को एक साथ जोड़ के प्रॉपर प्रोटीन में उसको कन्वर्ट करना, जिसकी जिम्मेदारी है प्रॉपर प्रोटीन में कन्वर्ट करना जो है, वो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जिम्मेदारी का। ठीक है, पहला काम ये रहा। दूसरा काम है आपके पास लिपिड सिंथेसिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस में रोल प्ले। मैंने आपको उसमें मिसाल दी, विटामिन डी एक तरह का लिपिड है। ठीक है, विटामिन डी इज अ टाइप ऑफ लिपिड, सूरज की रोशनी हमारी स्किन के ऊपर पड़ती है, विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है, उस विटामिन डी की सिंथेसिस में आपके पास ये जो है रोल प्ले है। तीसरा काम आपके पास है डिटॉक्सिफिकेशन। इंशाल्लाह जब आप मेडिकल में जाएंगे, फार्मा पढ़ेंगे बेटा, फार्मा के अंदर आप एक बात पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप फार्मा पढ़ेंगे तो फार्मा के अंदर अगर किसी ने एक पैनाडोल की टेबलेट खाई, सबसे पहला चैप्टर यही होगा, पैनाडोल की टेबलेट खाई तो वो लिवर में मेटाबोलाइज कैसे होगी, यानी कि वो मुसलसल ब्लड में आने के बाद वो लिवर में जाएगी, और लिवर में जाने के बाद बार बार वो लिवर में डिटॉक्सिफाई होगी, उसका असर खत्म होगा। ठीक है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होती है? लिवर में होती है। लिवर में ऐसी क्या चीज है? तो लिवर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो उसको डिटॉक्सिफाई कर। लिवर में ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो इस मेडिसिन के साथ ऐड होते हैं,
ठीक है, इस मेडिसिन के साथ ऐड हो जाते हैं। जब मेडिसिन के साथ ऐड हो जाते हैं तो अब पैनाडॉल है तो उसके लिए अलग है, एरिथ्रोमाइसिन है तो उसके लिए अलग है, ऑगमेंटिन है उसके लिए अलग है। हर मेडिसिन के लिए अलग अलग मेटाबॉलिज्म सिस्टम मौजूद है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद मुख्तलिफ टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिसको डिटॉक्सिफाई करने में रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अहम तरीन काम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अहम तरीन काम है आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन में रोल प्ले। चलिए इसके बाद आइए चौथा काम। चौथा काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्केलेटल फ्रेमवर्क के तौर पे काम करता है। इसका चौथा काम है स्केलेटल फ्रेमवर्क, यानी कि किसी इंसान का अगर ढांचा या किसी डायनासोर का ढांचा आपके सामने अगर रखा जाए तो आप बता सकते हैं ठीक है, ढांचा आपके सामने अगर मौजूद हो तो आप बता सकते हैं कि ये किसका ढांचा है, इंसान का या डायनासोर का। ठीक है, इंसान का है या डायनासोर का है, आप इस ढांचे के बारे में बता सकते हैं। तो अगर बात कीजिए एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम एक सेल का जो है वो स्केलेटन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है। ठीक है, एक सेल का जो है वो स्केलेटन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है, दिस सर्व्स एज स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। ये चौथा काम होगा। चलें पांचवा काम क्या है? पांचवा काम क्या है? इंडेस करें पांचवा काम कोई बताए। जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में होता यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकल के बाहर आता है। ठीक है, तो कैल्शियम क्या हुआ, वो होता है कैल्शियम उसके अंदर जो है वो स्टोर हुआ, स्टोरेज फ्रॉम कैल्शियम। चलो स्टोरेज में रोल प्ले करता है। और बताइए बंद कर दिया स्टोरेज के अलावा और बताइए फटाफट। आपको याद है कि जब तक हम इसी स्टोरेज पे बात करते हैं आप और सोच लें, कॉन्ट्रैक्शन होती है तो बेटा मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में आपके पास सिग्नल आता है सेल मेम्ब्रेन पे या सार्कोप्लाज्मा के ऊपर, उस पर क्या होता है कि डीपोलराइजेशन वगैरह या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, TTPs में आयनिक चेंजेस आती हैं, फिर फुट प्रोसेस लिफ्ट कर लेते हैं। तो उसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, उसमें से कैल्शियम निकल के साइटोप्लाज्म में आता है और जाके कम्बाइन होता है किसके साथ, ट्रोपोनिन सी के साथ कम्बाइन होता है। तो जो बेटा ट्रोपोनिन सी के साथ जाके कम्बाइन होता है तो उससे क्या होता है, एक्टिन मायोसिन के ऊपर ग्लाइड करता है।
एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर ग्लाइड करता है। इसको हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि भाई सार्कोमियर छोटा हो रहा है, ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं कि सार्कोमियर जो है वो आपके पास शॉर्ट एंड हो जाता है, ठीक है। तो सार्कोमियर जो है वो आपके पास शॉर्ट एंड हो रहा है, इसको हम नाम दे रहे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म, ठीक है, उसको हम नाम दे रहे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। तो अब ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म है, उसमें आपके पास कैल्शियम आया ही कब, जब उसके अंदर स्टोर हुआ होता, फिर उसमें से वो निकल के बाहर आया, ठीक है। चलो एक काम और भी रह गया, हैंड रेज करें वो कौन बताए, और वो ही काम आखान ने पूछा है। सर ये आरएनए को भी पास करता है, प्रोवाइड करता है पैसेज पास करने के लिए। तो जरा सही से बोल दो, तुमने बोला तो बिल्कुल सही है, इसको कुछ कहेंगे, आपने कहा कि सर ये पैसेज प्रोवाइड करता है आरएनए को न्यूक्लियस से बाकी साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनलीज में जाने के लिए। बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यही बात आखिर में पूछी गई है, लेकिन उन्होंने ऑप्शंस में क्या दिया, वो ऑप्शन में दिया भाई ट्रांसपोर्ट। न्यूक्लियस के अंदर से राइबोसोम्स को अगर साइटोप्लाज्म के अंदर आना होता है, ठीक है, ये फंक्शन कहलाता है आपके पास ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में जो रोल प्ले करता है, ठीक है, दिस एक्चुअली हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये एक्चुअली हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट के अंदर, सर ट्रांसपोर्ट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम इनसाइड न्यूक्लियस टू आउटसाइड, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर से बाहर की जाने उसके ट्रांसपोर्ट में आपके पास रोल प्ले। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर ताल्लुक होता है, अंदर भी ताल्लुक होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर भी आपके पास जो ट्रांसपोर्ट होती है वो भी आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रोल प्ले कर रहा होता है, यानी कि आपके पास दिस इज हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में जो रोल प्ले कर रहा होता है। चलिए तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि दिस इज हेल्पिंग इन द प्रोसेस, मैं इस फंक्शन की बिहार और करूँ, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है आपके पास ये न्यूक्लियोलस मौजूद है, ये न्यूक्लियोलस क्या करेंगे, ये राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करेंगे, राइबोसोम्स क्या होंगे, न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए, उनकी जो ट्रांसपोर्ट होगी वो दरअसल किसके जरिए होगी, उनकी जो ट्रांसपोर्ट होगी वो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए होगी, ठीक है। सो दिस एक्चुअली हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, या आपके पास प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो होते हैं, ठीक है, दिस एक्चुअली हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलें और कोई बात ऐड करनी है बेटा तो कर लीजिए, ठीक है। ट्यूबुलर नेटवर्क होता है, ठीक है, ट्यूबुलर नेटवर्क के स्ट्रक्चर में कोई खास बात नहीं, अब पता है पुरानी रटी रटाई बातें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप है, स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप है, राइबोसोम अटैच है नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो लिवर जिससे में काम कर रहा है उसका असल काम डिटॉक्सिफिकेशन, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगैर वो डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। So it plays a marvelous role in the process of detoxification. ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन में जो है बहुत अहम रोल जो होते हैं।
चलें इसके बाद आइए फर्दर. नेक्स्ट टू इट इज नेक्स्ट ऑर्गेनेल की तरफ बढ़ रहे हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो गई, स्मूथ और रफ. ठीक है, किसी ने और कोई बात इसके अंदर ऐड करनी है? एक पार्टिसिपेंट्स मौजूद है बेटा, आपने इसमें किसी ने कोई बात ऐड करनी है तो बताइए जरा, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हम आगे बढ़ेंगे. जी सर, मुझे पूछना था कि लिवर में जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, तो आपने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेस होती है, तो वहाँ पे कौन से होते हैं, स्मूथ होते हैं या रफ होते हैं? वहाँ पे तो दोनों मौजूद होंगे. आपको पता है लिवर में प्रोटीन सिंथेसिस भी तो होती है. लिवर एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन कैसे बनाया गया अगर वहाँ पे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद नहीं होंगी, तो प्रोटीन सिंथेसिस में तो लिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. अच्छा, तो मतलब वहाँ दोनों होंगे. किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, वो कौन सा होता है? एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं. किडनी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ. चलो बताओ, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल मेडुला. एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन सी हार्मोन रिलीज करता है, एड्रिनल मेडुला कौन सी हार्मोन रिलीज करता है? याद नहीं सर. आपको अपने आप को काबिल करना है कि आप उसके अंदर चले जाओ. आपके पास एल्ड्रोस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल और उसके अलावा आपके पास एड्रिनल एड्रिनलिन एड्रिनलिन भी सर. एड्रिनलिन एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है और एड्रिनल मेडुला भी. अच्छा अच्छा मैं क्या चाह रहा हूँ बोलना ही चाह रहा हूँ कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये लिपिड हार्मोन रिलीज करता है. ठीक है, लिपिड हार्मोन रिलीज करता है. अब वहां पे आपके पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो आपको ज्यादा मिलेगी. ठीक है, उस अंदर जो है वो आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसकी कंसंट्रेशन आपको जाना सही. और जो अगर मैं आपसे कहूँ पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है, इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है. पैनक्रियाज एंजाइम रिलीज करता है, वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं. तो बेटा वहाँ पे आपके पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी. हम ये नहीं कहते कि सिर्फ वहाँ मौजूद होंगे, ज्यादा मिलेगी. ठीक है, एक की ज्यादा होगी उस जगह पे, इसकी ज्यादा इस जगह पर, इसकी ज्यादा इस जगह पर, वरना ये दोनों ही हर जगह पे मिलेंगे आपको. ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू. हर जगह मिलेंगे. चलें,
अच्छा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात की। गोइंग टू टेल यू अबाउट दूसरा ऑर्गेनेल है। अच्छा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हम अब गॉल्जी बॉडीज की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। गॉल्जी बॉडीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। गॉल्जी बॉडी से खास बात है, ये इसकी साइड कहलाती है सिस फेस और ये कराती है ट्रांस फेस। कम से कम 4 से 10 ट्यूब होने चाहिए, देखिए कम से कम 4 से 10 ट्यूब होने चाहिए एक गुच्छे के, कम से कम 4 से 10 ट्यूब्स मिलेंगी आपको एक गुच्छे में। और अगर इन गुच्छों की बात की जाए, गुच्छों के लिए यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं हम स्टैक, STACK स्टैक। तो तकरीबन आपके पास 1 से 10 स्टैक्स होते हैं एनिमल सेल में और 10 से 100 के करीब होते हैं प्लांट सेल के। प्लांट सेल में गॉल्जी बॉडीज ज्यादा क्यों होती है, कोई रीजन देगा? प्लांट सेल में गॉल्जी बॉडीज ज्यादा क्यों होती, व्हाई दे आर मोर इन प्लांट सेल? जी, why they are more in plant cell? प्लांट सेल में ज्यादा क्यों? कोई भी नहीं बताया, हैंड रेस करें, हैरत होगी मुझे अगर नहीं बताएंगे। उमैया तुम बताओ, हैंड रेस करो। सोचो कि प्लांट सेल के अंदर जो है गॉल्जी बॉडी ज्यादा क्यों होती है? सर इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि गॉल्जी बॉडी जो है शुगर्स को सेल वॉल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करता है और सेल वॉल सिर्फ प्लांट में ही होती है। ने रीजन तो बहुत अच्छा दिया, शाबाश। आपने ये क्या करता है, शुगर को सेल वॉल के कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करता है, यानी ग्लूकोज को पॉलीमराइज करता है कि सेलुलोज बनाए, ऐसे ही कहा आपने? जी सर। और कोई खास बात? नहीं सर। सोचो और भी है, माइटोसिस याद है आपको? जी सर। प्लांट सेल में जब माइटोसिस न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो फिर उसमें साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म में डिवीजन होती है, तो वो किस मेथड के जरिए होती है प्लांट सेल में? जी किस मेथड के जरिए? होती है सेल प्लेट फॉर्मेशन के जरिए। सेल प्लेट फॉर्मेशन भी होता है कि जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है दीवार बनाने के लिए है, तो दोनों न्यूक्लियस के दरमियान आ जाता है। जब वो दोनों न्यूक्लियस के दरमियान आ जाता है तो एक प्रॉपर फिर पैकेट्स फटना शुरू होती हैं और एक दीवार बना देती है। तो ये जो दीवार बनती है कहलाती है सेल प्लेट। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन के जरिए क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन के जरिए आपके पास एक प्लांट सेल के अंदर जो है
वो उसके साइटोप्लाज्म के डिवीजन है, क्योंकि इट अकर्स बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है जी, ठीक है बेटा, शाबाश। सर इसके बाद आइए वो गॉल्जी बॉडीज के और क्या फंक्शन है। मैंने अच्छा मैंने अभी तो फंक्शन की बात की, मैंने आपसे रीजन के बारे में बात कर ली है कि वाई मोर इन प्लांट्स। एनिमल सेल के अंदर इसका असल काम है सेल सिक्रीशंस। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे उसकी डाइजेशन हो रही है, जितने भी एंजाइम्स वगैरह होंगे वो पैकेट्स जो है वो गॉल्जी बॉडी से निकलते हैं। ठीक है, इट इज कंसर्न विद सेल सिक्रीशंस। अब वो तुम सेल इतना अच्छा कर लें तो बस चारों तरफ आपको सेल ही सेल नजर आ। ठीक है, एक एक बारीक बीनी से फंक्शन कर लें। ठीक है, एक एक बारीक बीनी से आप फंक्शन कर लें इसको, और सेल आपका चलें। क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे। Okay, thank you so much.